हाय साथियों, नमस्कार। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्लैब कॉन्क्रीटिंग के समय होता है, इसका लेवलिंग चेक करना। जब भी आप अपना घर में पूरा प्लेट सब डालते देखो, उस वक्त जो आप लोगों को क्या है, इसका लेवलिंग चेक करना ज़रूरी है। अगर ये प्लेट्स सही तरीके से एक ही लेवल पे नहीं रहे, समझो तो आपका छत भी टेढ़ा आ जाता है, यानी कि नीचे का जो भाग रहता है वो ऊपर नीचे होने का चांसेस रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक प्लेट में थोड़ा बहुत कुछ एक दो आधा सेंटीमीटर या फिर उससे भी, यानी कि 3 mm तक का फ़र्क नज़र आता है। एक थोड़ा ऊपर है, एक नीचे है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि देखिएगा पूरा फुल व्यू यहाँ पर डाला। बट इतना बारीकी करना भी उतना सही नहीं है, बिकॉज़ वर्कर का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, उनको भी बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इतना भी आसान नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं। ओके, ये देखिएगा कितना कड़कड़ाती धूप है, इतना मार रहा है आप लोगों को। और मेन इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, जो लीकेज रहता, देखो सीपेज रहता, वो इन्हीं के बीच में से जाता है मैक्सिमम। तो इसी एरिया में आप लोग पूरा फुल थरो पूरा पॉलीथीन कवर से कवर अप कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर का पानी ना सके। फिर ये जो गैप है देखिएगा दोस्तों, ये जो गैप आप देखे हैं ना, इसके अंदर से भी पानी जाने का चांसेस रहता, उसको आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। एक तो कंक्रीट टेप लगाते हैं, या फिर दूसरा चीज़ आप दूसरा भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये इतना सारा गैप दिख रहा है आप लोगों को, आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लगभग 1 cm तक इसके अंदर से ही पानी जाने का चांस रहता। तो उस वक्त हम कंक्रीट टेप तो लगाते हैं। ये कंक्रीट टेप का एक लक्षण है, ये लोहे को अच्छी तरीके से चिटकता है, वो एक अच्छी बात है इसका। या फिर दूसरा ऑप्शन, हम कुछ ना कुछ पेपर वर्क वो सब रखते हैं इसके अंदर। जैसे कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे है, ये वाला ऊपर है, ये नीचे है, तो ये आपको मार्किंग नीचे में दिखता है। ओके, मार्किंग दिखने से फ़ायदा ही है, लॉस तो कुछ भी नहीं है। बस जितना हो सके उतना आपका कंक्रीट ये जो सरफेस है एक ही लेवल पे रहने का कोशिश करिए, जगह ऊपर नीचे नहीं होना। तो इस तरह से आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, ये वाला ओपनिंग है देखो, इसके अंदर से पानी जाने देते, इसको अच्छे तरीके से आप लोग पैक कर लेना, मेन वो जरूरी है। यहाँ पे भी सेम, इधर जो गैप देख रहे देखो, ऐसा आप कभी भी छोड़ो मत यारो। इसको कंक्रीट टेप लगाने से अच्छा है पहले इसको फिलअप करके कंक्रीट टेप लगा लो, या फिर एक कवर मिलते हैं, कैरी बैग मिलते हैं, वो काट काट के आपको लगाना पड़ता है। मेन झुकने का कहाँ रहता है, अब देखो वो कॉलम उधर है, ये कॉलम इधर है, मेन क्या है, झुकता कहाँ पर है, बीच में ही झुकता है, ज़्यादा लोड आपको बीच में पड़ता है। सो बीच में आप चाहे तो थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा रॉड्स लगा सकते हैं, एंड ऐसा ये जो ओपनिंग है ना, इसको आप नज़रअंदाज ना करें। और देखिएगा यहाँ पर कैसे प्लेट किसके ऊपर बिठाते हैं, बिल्कुल आपको अभी पता चलता है। यहाँ पर देखिएगा ये रहते हैं बम्बू टाइप में। मेन इसका मेन फर्स्ट इम्पोर्टेंट है इसका लेवल सही रहना। ओके, ये लेवल सही रहा तो इसके ऊपर प्लेट आप बिठाते हैं, प्लेट ये इसका सेम लेवल आने के बाद ही आप प्लेट आराम से बिठा सकते हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर बांध रहे हैं तो ग्राउंड लेवल फ्लोर का स्लैब एकदम लेवल पे रखिएगा, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड लास्ट फ्लोर रहता है वहाँ पर आपको इसमें स्लोप करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इसके ऊपर जो छत डालते देखो वो स्लोप में रखना चाहिए। ओके, एंड ये फर्स्ट जरूरी है, ओवरलैपिंग अभी यहाँ पर आप कर लेना चाहिए, ऑलमोस्ट ये 2 feet तक आ रहा है, सो ओवरलैपिंग अभी कर लीजिएगा आप लोग। ओके, धन्यवाद।